हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है और आप हमारे पास किस लिए आए थे? अंकल, मेरा नाम रुचि है, मैं सेक्टर 45 नोएडा से आई हूँ। मुझे बैक पेन थी, स्लिप डिस्क और साइटिका की प्रॉब्लम थी, और बैक पेन में L3, L4, L5 और S1 में इशू था। तो पेन धीरे धीरे कमर से रेडिएट होके पूरे लेफ्ट पैर में जा चुका था, हील तक दर्द था। आई वॉज अनएबल टू वॉक, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, वॉक भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ लेटी रहती थी और रोती भी रहती थी। हाँ, रोती भी रहती थी। तो काफ़ी, मतलब 4-5 रिनाउंड एलोपैथिक डॉक्टर्स को हमने नोएडा में दिखाया एंड सबने यही MRI देख के बोला कि सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया एंड हमने गूगल पे UP आरोग्य हीलिंग सेंटर सर्च किया। एक्चुअली हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज डाल के सर्च किया एंड वी फाउंड योर सेंटर। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम आए यहाँ पर एंड मुझे लगता है कुछ नहीं तो 9 to 10 सिटिंग्स में आई वॉज एबल टू रेज्यूम दी डेली एक्टिविटीज़। सब कुछ जो मैं छोड़ चुकी थी, मैं धीरे धीरे, मेरे में इम्प्रूवमेंट आया। ऑपरेशन तो नहीं करवाना ना आपने? नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन तो कोई भी नहीं। और मतलब जब हम आए थे तो हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने हमें यही बोला कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ आके, मतलब जब वो 6-7 डेज के बाद हमने चेंजेस देखे कि ये वापस खड़ी होके चल पा रही है, अदरवाइज चलने में बहुत पेन था, बैठने में सिर्फ लेट के आराम था, बट उसके बाद 7-8 डेज के बाद ही बहुत रिमार्केबल चेंज मिला। तो बेटा, जो एक्सरसाइज बोली वो करते हो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, फिट रहोगे, कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि इससे यहाँ पर मैंने जो डिफरेंट चीज़ देखी वो ये कि मेरे कुछ फेलो पेशेंट्स जो यहाँ आते थे एंड दे वर नॉट वेरी यू नो वेल टू डू, तो उनको अंकल ने फ्री में ट्रीटमेंट दिया, जो मेरे लिए आज की डेट में ड्यूटी है। दैट इज अ रिमार्केबल चीज जो हम लोग हर जगह नहीं देखते हैं। सो अंकल, की डेट में ये चीजें नहीं होती। नहीं, हमें सबको ही करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। यस, यू हैव अ गोल्डन हार्ट। थैंक यू सो मच। ओके जी।